हाई एवरी वन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम्स ऑफ ग्रीस सो फर्स्टली हमने देखना है कि ग्रीस के सिविलाइजेशन जो थी वो तीन पीरियड्स में डिवाइड हुई थी फर्स्ट वन इज़ होमैरिक सेकेंड इज़ हेलनिक एंड थर्ड इज़ हेलनिस्टिक पीरियड सो फर्स्ट इज़ होमैरिक पीरियड विच इज़ ट्वेल्व ऑफ हंड्रेड टू फाइव टेन बीसीज तो इस पीरियड में अल्फ़ाबेट्स एंड पोइट्री की जो थी इंट्रोडक्शन हुई थी एंड देन हेलनिस्टिक पीरियड में जो आर्ट एंड कल्चर जो कि फर्स्ट जो मैरिट पीरियड में सब कुछ डिवेलप हो चुका था और मतलब इंट्रोड्यूस हो चुका था उसके आगे डिवेलपमेंट हुई एंड देन हेलनिस्टिक पीरियड अलेक्जेंड्रा फाउंड द सिटी अलेक्जेंड्रिया एंड बिकेम द किंग ऑफ पर्शिया द ग्रेट कल्चर एंड विद द डैथ ऑफ अलेक्जेंड्रिया सो हेलनिस्टिक पीरीड में थर्टीन थर्टी सिक्स टू वन फोर्टी सिक्स बी सी में अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंड्रिया सिटी जो थी वो फाउंड की थी और ग्रेट कल्चर जो था वो अलेक्जेंड्रा की जो भी पीछे होमेरिक और हेलेनिक पीरियड में जो कुछ भी जो डेवलप्ड हुआ था वो जो राजा एलेक्जेंडर था उसके मरने से सब कुछ जो था ख़त्म हो गया सो यू कैन सी द अलेक्जेंडर जिसकी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट्यूम्स सो फर्स्टली जो इंट्रोडक्शन आपको जो इसके बारे में समझने की ज़रूरत है कि ग्रीक की कॉस्ट्यूम्स की कोई अपनी फॉर्म नहीं होती थी ठीक है सो अगर हम कश्मीर की बात करें या राजस्थान की बात करें तो राजस्थान है घाघरा चोली कश्मीर है फिरन पर इसकी जो है वो अपनी फॉर्म नहीं होती थी चल, ये बॉडी पे ड्रेप किया जाता था बिना किसी मटेरियल को कट किए बिना उसे स्टिच किए ही बॉडी पे रैप्ड किया जाता था या ड्रिप्ट किया जाता था सो so, फर्स्ट जो इनका बेसिक गारमेंट जो है वो है चित्तौन ये मेन ड्रेस है बोथ मेन एंड वुमेन्स जो है इसे वार्न करते हैं जो वुमेंस के केस में जो चित्तौन की लेंथ होती है वो डेल एंकल लेंथ होती है और मेन के केस में इसकी लेंथ नी लेंथ होती है एंड चित्तौन जो है वो वूल का बना होता है इसे हम लोग शोल्डर पे प्लेस करते हैं सो द थिंग जो यहाँ पे बार बार यूज़ होगी दैट इज़ फिबले और ब्रॉचिज़ सो फिबले इज़ अ काइंड ऑफ ब्रॉचिज़ जैसे हम लोग यहाँ पे फास्टिस्स करने के लिए अपने हेयर्स को फास्टन करने के लिए स्टील पेंट पिंस जो होती हैं वो यूज़ करते हैं हेयर वो जो अपने पिंस अपने जो गारमेंट को ड्रेप करने के लिए यूज़ करते हैं उनको पर्टिकुलरली फिबले नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड समटाइम्स आव वन आर्म होल एंड समटाइम्स टू आर्म होल सो इसके कई बार ही एक आर्म होल होता है और कई बार टू आर्म होल सो यू कैन ऑल्सो राइट कि जो वन आर्म होल होता है वो मोस्टली मेंस के केस में होता है और जो टू आर्म होल होता है वो वोमेंस के केस में है तो अगर हम पीछे चले तो यू कैन सी द चित सो वुमेन के केस में द फर्स्ट वन विच वी आई थिंक टू आर्म होल्स जो है वो बने हैं और हम इसकी जो लेंथ अगर चेक करें तो इट्स स्टिल एंकल लेंथ नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं वो मैन की है सो so, मैन के केस में इट हैज़ ओनली वन आर्म होल यू कैन क्लियरली सी कि ये ड्रेप सिर्फ आपके और मतलब लेफ़्ट शोल्डर पर हुई है और देन इट्स हैज़ टिल नी लेंथ इसकी जो होती है चित्तौन की लेंथ होती है ठीक है जी नेक्स्ट इज़ डॉरिक चितौन अब चित्तौन की आगे वेरिएशंस हैं द फर्स्ट वन इज़ डॉरिक चित्तौन एंड सेकेंड इज़ आयोनिक चित्तौन सो फर्स्टली डोरिक डॉरिक चित्तौन क्या है डोरियंस होते कौन है सोल्जर्स और प्रैक्टिकल्स पीपल को ग्रीक में डोरियंस बोला जाता था डॉरिक चतौन भूल की ही बनी होती थी इट वॉज़ फोल्डेड इन सच अ वे दैट देर वॉज अ ओवरलैप ऑफ द मटीरियल ऑन द बॉडीज इट मीन्स ये बॉडी पे इस तरह से फोल्ड किया जाता था कि जो मटीरियल जो होता था ना वो ओवरलैप करता था उसकी थोड़ी शॉर्ट केप बनती थी और इट वॉज सिक्स फीट इन मिड इट मीन जो कपड़ा रेक्टेंगुलर क्लोथ में जो हम कपड़ा काटते हैं और ग्रीक्स की जो उसकी जो विर्थ जो इन्होंने बताई है वो सिक्स फीट है लॉन्गर दैन द हाइट ऑफ द वीर सो जो भी इसे पहन रहा है वो उसकी हाइट से जो है वो बड़ा होता है द गर्मेंट वॉज पिंड एट दी शोल्डर एंड एक्सेस मटीरियल फॉल फ्री गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ के सो गवर्नमेंट शोल्डर पर पिन किया जाता है और जो भी एक्सेस मटीरियल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लाइन की ओवरलैपिंग होती है मटीरियल की सो दिस इज़ डोरिक चितम सो दिस वन द पॉइंट यू कैन ऑल्सो राइट इन दैस कि दिसज आर द मेनली द ड्रेस ऑफ वूमेंस सो so, ये ग्रीक्स वुमेंस पहनती थी सो यू कैन सी ओवरलैपिंग जो है वो बन रही है शॉर्ट वेव और गार्मेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर मतलब हमें ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है कि गार्मेंट जो है वो उप, अपर पार्ट जो है वो अलग है और लोअर गार्मेंट जो है वो अलग है बट इट इज़ सेम सो इन नाउ वेरिएशन्स ऑफ डोरिक चितौन देन डोरिक चित्तौन की वेरिएशन्स आती हैं कि डोरिक चित्तौन इज अ गाउन और आउटर गारमेंट वोन बाय वूमेंस सो हमने बता दिया कि ये वुमेंस पहनती हैं इट इज़ बेसिकली अट ऑफ शॉल विद टू फिबले सो इट मींस अगर हम आगे और तरह की डोरिक चित्तौन की अगर हम बात करते हैं तो ये काइंड ऑफ शॉल होती है इट वॉज टगड थ्रू गडल वोन बिलो द बर्थ लाइन गिविंग द लुक ऑफ ब्लाउज गडल गडल मीन्स अ बेल्ट अब्रॉड बेल्ट होती है इट्स इधर मेड अपैब्रिक और अनदर काइंड ऑफ़ मटीरियल सो समटाइम्स सेकेंड गर्डल वॉज ऑल्सो वॉन नीयर अबाउट द हिप्स गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ बिंग टू गार्मेंट्स सो यहाँ तो ये बिलो द बस्ट गर्डल जो है वो लगाई जाती है और कई बार दो दूसरी गर्डल भी है एक सेकेंड जो हम कह सकते हैं बेल्ट इज़ ऑल्सो यूज वो हिप्स पर बांधी जाती है इस तरह से गार्मेंट को दो एक्सप्रेशन मतलब तो हमें पता चलता है कि शायद गर्डल लगाने से ऐसे फील होता है कि गार्मेंट जो है ना एक नहीं है दो हैं नेक्स्ट इज एपोटिग्मा एंड कॉलपोक्स सो जो एपोटिग्मा होता है ये चित्तौन के अपर पोर्शन को अगर हम चित्तौन देखते हैं तो उसके अपर पोर्शन को एपोटिग्मा के नाम से ग्रीक्स में बोला जाता था एंड कॉलपोक्स ब्लाउज़ पार्ट और वेस्ट लाइन जो होती थी चित्तौन की उसमें एप कॉल उसे कॉलपोक्स बोला जाता था सो यू कैन सी व्हाट इज़ कॉलपोक्स एंड विच पार्ट इज़ नोन एज एपोटिग्मा नेक्स्ट इज आयनिक चितौन सो यू कैन स्किप द पोर्शन ऑफ वेरिएशंस ऑफ डोरिक चितौन एज वेल बट द मेन गारमेंट ऑफ ग्रीक्स मैनज एंड वुमेन्स इज़ चित्तौन एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ चित्तौन विच वन इज़ डोरिक चित्तौन एंड आयोनिक चित्तौन एंड नाउ आयोनन्स क्या होते थे फिलासफर्स और जो स्कॉलर्स होते थे हाँ अब जो मेन थिंग आपको याद करने वाली होती हैं यहाँ पे कि डॉरिक चित्तौन इज मेड ऑफ वूल फैब्रिक चित्तौन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द वूल फैब्रिक बट द आयोनिक चित्तौन इज मेड अप ऑफ लिनन फैब्रिक या फिर कोई वॉल्यूमिनस मटीरियल एंड हैविंग अ ग्रेसफुल फोल्ड्स होते थे इट वॉज ऑफ टेन फीट वाइड सो डॉरिक चित्तौन इज ऑल अबाउट सिक्स फीट वाइड सो यू कैन फाइंड आउट कि आयोनिक चित्तौन उससे कह लो आप डबल ही है टेन फीट वाइड है वाइट होने के कारण इसकी जो एल्बोल स्लीव्स बनती थी और जो स्लीव्स होती थी बहुत खुली बनती थी इट रिक्वायर्स एट टू टेन फिबले टू फास्ट इन द टॉप एजिज कपड़ा इतना ज़्यादा है सो so, उसमें फाइव सिक्स फिबले फाइव सिक्स ब्रोचेस से काम नहीं बनेगा उसमें एट टू टेन तक फिबलेस लगते थे ताकि जो मटीरियल है uh, वो अच्छे से फास्टन हो सके सो दिस इज़ आयोनिक सिस्टोन आई आई ऑलरेडी डोल यू कि इसकी जो स्लीव्स होती थी वो वाइड होती थी वाइड एल्बोल स्लीव्स होती थी सो यू कैन क्लियरली सी कि कैसे की होती है आयोनिक चित्तौन नेक्स्ट चीज हिमेशन सो दीज आर गारमेंट्स, अगर हम इंडिया से हम लोग बिलोंग करते हैं तो ये जो वर्ड्स हम हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि व्हाट इज दिस हिमेशन चित्तौन पर बाहर के लोग ग्रीक्स और अगर हम टॉकिंग अबाउट करें इजिप्ट तो उनके कॉस्ट्यूम्स के नाम हमसे बहुत डिफरेंट होते थे बीच हम लोगों ने सुने भी ना हो सो so, इसी तरह से हिमेशन है सो हिमेशन मोस्टली मेल का क्लॉक क्लॉक मींस गाउन होता था जो कि वुमेन अपनी ट्यूनिक ट्यूनिक इज़ अ काइंड ऑफ चित्तौन सो चित्तौन इज अ काइंड ऑफ ट्यूनिक ठीक है सो ओवर द ट्यूनिक वुमेन वोर द मेल क्लोक कड हिमेशन इट इज़ ट्वेल्व टू फिफ्टीन फीट लॉन्ग सो इसकी जो लेंथ होती थी वो बारह से पंद्रह और जो वाइड जो कपड़े की जो विर्थ होती थी वो सिक्स फीट होती थी इट वॉज बॉर्न अलोन और ऑल्सो अलॉन्ग द च्तौन ये अकेला भी हमेशा पहना जाता था या फिर एज आई ऑलरेडी टूअल्ड यू कि वुमेंस जो थी ओवर द ट्यूनिक ओवर द चितौन जो इसे वॉर्न करती थी इट रिक्वायर्स नो फास्टनर्स हमने पीछे कितना कुछ पढ़ा कि डोरिक चित्तौन को और आठ से बारह फास्टनर्स रखते हैं हिम सॉरी एटीन टू ट्वेंटी थ्री आयोनिक चित्तौन को लगते हैं सो so इसमें जो है फास्टनर्स इट मीन्स इसमें जो फिबलेज होते हैं इसकी यूज़ नहीं होती इट वॉज़ रैप्ड अराउंड द बॉडी इन अ सच अ वे दैट इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू स्लिप मतलब बॉडी पे इस तरह से ड्रेप किया जाता है कि वो घिर गेर, वो घिर ही नहीं सकता इट वॉज़ समटाइम्स राउंड अबाउट द फिगर ट्वाइस एंड देन फ्लाइंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर मतलब बॉडी पे बॉडीज पे

या फिर इस तरह से ड्रेप की जाती है कि एक हुड टोपी टाइप बन जाती है जो कि अपने हेड को कोल्ड वेदर्स में प्रोटेक्ट करती है सो यू कैन सी द आर ऑल पिक्चर्स ऑफ हिमेशं सो ये वुमेन्स ने पहना है फ्लाइंग दी हुई है दोनों साइड पे और ये हुड है और ये हुड, हुड कैसे बनी है सी नेक्स्ट वन इज कोलम्बस कोलम्बस क्या होता है इट इज़ वन पीस शॉर्ट लाइक गार्मेंट वन बाय मैन सो दिस आर द बेसिक गार्मेंट्स ऑफ मैन सो कई बार क्वेश्चन पेपर में जरूरी नहीं होता कि आपको यही पूछे कि डिस्क्राइब द ग्रीक कॉस्ट्यूम्स दे विल ऑल्सो टेल यू अबाउट कि आपने ग्रीक के मैन्स के कॉस्ट्यूम बताने सो यू मे रोट चितौन एंड देन यू कैन टॉकिंग अबाउट कोलम्बस की आप बात कर सकते हो हमेशा यू कैन ऑल्सो राइट कि फ्लाइंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर एंड सो दिस इज कोलम्बस शॉर्ट की तरह ये रिजेंबल करता है कोलम्बस इज विथ नो कटिंग फॉर आर्म होल एंड नेक लाइन सो इसके लिए नेकलाइन की भी कटिंग नहीं की जाती है और ना ही आर्म होल की कटिंग होती है इट ओपन एट द साइड्स ऑफ आर्म। सो यू कैन से ये यहाँ से जो ये साइड्स जो हम बता रहे हैं यहाँ से खुला होता है यहाँ से कुछ भी स्टिचिंग नहीं होती ना ही फास्टन ब्रोचेज लगा के इसे फास्टन किया जाता है ये ऐसे ही होता है इट मीन्स यू कैन इमेजिन कि हाउ इट इज़ ओपन फ्रॉम द साइड्स ऑफ आर्म्स नेक्स्ट इज क्लैमस क्लैमस फिलासफर्स के लिए बेसिकली है ये इसकी शेप थोड़ी लॉन्ग में होती है और ये हिमेशन को रिजेम्बल करता है हाउ बिकॉज हम लोग यहाँ इसे जब हम मैंने आपको हिमेशन में बताया कि इट इज बोर्न अलोन और अलोंग विद द चितौन सो जब ये अकेला पहना जाता है ना तब हम क्लैमस बोलते हैं इसे इट वॉज बोर्न कवरिंग द लेफ्ट आर्म एंड साइड वाइल राइट आर्म एंड साइड लिविंग फ्री सो मेन थिंग विच वी हैव टू डिस्कस हेयर क्लैमस में कि इसका जो लेफ़्ट वाला पोर्शन होता है ना वो पूरी तरह से कवर होता है पर जो राइट right पोशन होता है वो फ्री छोड़ दिया जाता है सो so आप पिक्चर में क्लियरली शो हो रहा है कि कैसे ये पहना जाता है कि कैसे इन्होंने लेफ्ट वाले को पूरी तरह से अपने लेफ्ट पार्ट जो है बॉडी का कवर है राइट right जो है वो ऐसे छोड़ा हुआ है फ्री नेक्स्ट इज डिप्लेक्स सो डिप्लेक्स इज एन आउटर गारमेंट सिमिलर टू क्लैमस ये भी क्लैमस से सिमिलर होता है अब आप पिक्चर में देखो तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिमिलर हो सकता है क्योंकि क्लैमस जो अभी हम अब भी जस्ट पढ़ के हम आए हैं कि उसमें तो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट साइड जो होती है कवर होती है और राइट right आर्म जो होती है फ्री होती है फर्स्टली द मेन थिंग ये वुमेन्स के द्वारा पहना जाता है इट वॉज़ वॉन्ट कवरिंग द लेफ्ट आर्म एंड साइड सो कैसे आपको इसमें पता चलेगा इट अगर आप ये आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज इट वॉज़ बोर्न ओवर द आयोनिक चित्तौन जो है क्लैमस पहना गया हुआ है ठीक है सो क्लैमस इज रिजेम्बलिंग टू हिमेशन तो हम हिमेशन में वैल से ही पढ़ चुके हैं कि मतलब वो बोर्न अलोन और अलोंग विद चित्तौन सो इन्होंने आयोनिक चित्तौन के ऊपर जो है हिमेशन को वो डिप्लेक्स को पहना हुआ है इसलिए ये आपको ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है नेक्स्ट इज डिप्लोडियन ये स्केयर पीस ऑफ फैब्रिक होता है अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है आयोनिक चित्तौन चित्तौन डॉरिक चित्तौन हिमेशंस ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कट्स इट्स ऑल अबाउट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द क्लोथ हम स्टार्टिंग में ही पढ़ के आए थे चित्तौन में कि चित्तौन जो है वो रेक्टेंगुलर पीस का बनता है बट डिप्लोडियन इज द वन जिसमें पीस जो फैब्रिक जो होता है वो स्केयर होता है इट वॉज़ डबल सो दैट फोल्ड इट एज वॉज अप इसे फोल्ड किया जाता है इस तरह से डबल किया जाता है तो जो डबल करने के बाद जो फोल्डेड वाला एरिया होता है ना उसे ऊपर की तरफ रखते हैं और ड्रेप्ड अंडर द राइट आर्म एंड फास्टर ऑन दी ऑपोजिट शोल्डर ठीक है और तो राइट right आर्म के नीचे से इसे ड्रेप करते हुए ऑपोजिट शोल्डर मीन्स लेफ्ट शोल्डर की तरफ इसे ड्रेप किया जाता है so, सो आप फोल्डेड फैब्रिक देख सकते हो राइट uh, आर्म right से लेते हुए वो इसे लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर ड्रेप कर रहे हैं ठीक है सो इट इज़ ऑल्सो द बेसिक गारमेंट ऑफ वुमेन डिप्लॉडियन नेक्स्ट इज पेपलॉस पेपलॉस अर्लीस्ट फॉर्म है चित्तौन की सो so चित्तौन से पहले की फॉर्म है हिमेरिक पीरियड में लेडीज इसे पहनती थी ये भी रेक्टेंगुलर वुलन का बना है सो दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू डिस्कस हेयर ये सिंपल स्लीवलेस गारमेंट होता है इसमें स्लीव्स जो होती हैं वो नहीं होती ठीक है इट वॉज़ ड्रेव्ड इन अ स्पेसिफिक वे टू बिकम ग्रेसफुल ट्यूनिक लाइक कोट सो ट्यूनिक होती है इसके अच्छे ग्रेसफुल फ़ोल्ड्स जो हैं वो आपको फोल्ड्स तो अच्छे से पता चल ही रहे हैं तो इसके अच्छे फोल्ड्स होते हैं और ये सिंपल स्लीवलेस गारमेंट होता है इसकी कोई स्लीव्स नहीं होती अब हम आगे बात करेंगे इनकी ड्रेस की कि ये हेड के ऊपर क्या क्या वॉन्ट करते हैं सो फर्स्ट वन इज़ फिलेट इट इज़ अ रिबन वाउंड देड इट बिकम्स अ फ्रेंच फिलेट सो दिस इज़ द फिलन सो रिबन लाइक नैरो बैंड ऑफ रिबन टाइप होता है जो कि हेड पर बॉन्ड किया जाता है सो आप पिक्चर्स को देख के थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कैसे का रिबन बात कर रहे हैं नेक्स्ट इज मीटर द मीटर और मीटर दो तरह से इसे बोला जाता है इज ऑल्सो द टाइप ऑफ हेड गेयर नॉन एज ट्रेडिशनल सेरेमोनल हैड्रेस ऑफ बिशप्स सो दिस इज मीटर त्यारा सो so, त्यारा इज एन ऑर्नामेंटल क्राउन जो कि स्पेसिफिकली ओकेजन पे वुमेन के द्वारा पहना जाता है सो so, डेली लाइफ में नहीं बट कोई स्पेशल फेस्टिव ओकेजन्स पे त्यारा जो है वो लेडीज पहनती है ये क्राउन होता है डियाडम डियाडम इज अ जूल्ड ऑर्नामेंट इन द शेप ऑफ अ हाफ क्राउन सो यू कैन से कि त्यारा इज अ फुल क्राउन वेल डियाडम एक हाफ क्राउन की तरह होता है जो कि वुमेन्स के द्वारा अपने फोर हेड पे पहना जाता है

नेक्स्ट इज़ निम्बस निम्बस जो होता है वो लिनन का हेडबैंड होता है जो कि गोल्ड एम्ब्रॉइडरी में ऑर्नामेंटेड होता है फिरगिन टॉप फिरगिन कैप इज़ ब्रिमलेस एंड बट मे हैव फ्लैप्स ओवर इन फ्रंट ऑफ द एयर्स तो एयर्स के पास जो होते हैं थोड़े फ्लैप्स होते हैं थोड़े कॉलर से होते हैं एंड ऑल्सो समटाइम्स हैज अ लॉन्ग फ्लैप इन द बैक और कई बार बैक पे भी एक लंबा फ्लैप जो होता है होता है तो इस पिक्चर में उसमें फ्लैप नहीं है सो so समटाइम्स मतलब इन सम केसेस में नॉट ऑल द केसेस कैप्स व समटाइम्स मेड स्टिफन फैब्रिक लेदर की बनी हो सकती है इट मेड इट सिट अप ऑन देड लाइक ए हेलमेट सो हेलमेट की तरह आपको रिजेंबल करता है विद विट पॉइंटेड टॉप कवरिंग टू वॉर्ड द फ्रंट ऑफ द हेड सो फिबले एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू की फिबले द ब्रॉचिज हुक और मतलब फिबले होता है कि जिसमें हुक अटैच होता है वन काइंड में सो द फिबले दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिबलेस विच आर यूज बाय द ग्रीक मैनज एंड वुमेन टू फास्टन देयर फैब्रिक्स एंड टॉप एजेस शोल्डर्स पे फास्टन करने के लिए जो फिबलेस यूज़ होते हैं सो दीज़ आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फिबलेस विच आर यूज सम इन यूज सम यूज इन होमेरिक पीरियड सम यूज इन हेलिटिक पीरियड्स एंड सम यूज इन हेलनिस्टिक पीरियड नेक्स्ट इज जूलरी सो ज्वेलरी में है प्लेन उम्मर नेकलेस पहनती है तो so नेकलेस आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ब्रेसलेट होता है लाइक अ स्नेक सो स्नेक की तरह वो बना होता है प्लेन और जूल रिंग पेंडेंट हो गया सो so ये इनका पेंडेंट है इसमें ऑलमोस्ट किसी ना किसी राजा रानी की जो पिक्चर होती है वो एनग्रेवड होती है ईयर पहनते हैं मेल ज्वेलरीज में मेल जो है वो सील रिंग पहनते हैं प्लेन गोल्ड बैंड भी सिर पे पहन लेते हैं और किंग्स uh, के लिए जूल्ड बैंड जेम्स एम्ब्रॉल्ड यूज़ करने प्रीशियस स्टोन्स यूज़ करने और जो एयर होता था मेंस वो अपने एक ही कान में पहनते थे फैशनेबल यूथ्स पहनते थे नेक्स्ट इज़ असेसरीज विच आर यूज बाई द फीमेल्स ऑफ ग्रीक्स सो फर्स्ट वन इज़ ग्रीक जो फीमेल जो ग्रीक की जो फीमेल्स है जो फर्स्ट असेसरी जो यूज़ करती हैं वो है मिरर सो so, ये ब्रॉन्स का बना होता है या सिल्वर का बना होगा सो so, आप सिंपल आपका बड़ी इजीली शो किया कि कैसे का मिरर होता था पहले के टाइम पे, ओवल शेप में होता था राउंड और ओवल शेप में नेक्स्ट इज़ वैनिटी केस वैनिटी केस मींस जहाँ पे हम जिस केस जिस बॉक्स में हम अपना कॉस्मेटिक्स का सामान रखते हैं नेक्स्ट इज़ लॉन्ग हैंडल फ़ैन ऑफ लीव्स एंड फ़ैदर सो फैदर और लीव्स का ये फ़ैन ये देखो सो so, ये है फैन नेक्स्ट इज पैरासोल ऑफ लिन्न और सिल्क पैरासोल अम्ब्रेला सो यू कैन सी गर्डल इज जो गर्डल जो मैं आपको पहले बात करी थी दिस इज अ काइंड ऑफ बेल्ट मेड ऑफ फैब्रिक सो सी द गर्डल सितलाटो एक रोड होती है जो कि एज अ स्वॉर्ड हम कह सकते हैं कि वो कैरी करते हैं मेल असेसरी में लॉन्ग वॉकिंग स्टिक हो गई जो कि मोस्टली एल्डर्स यूज करते थे और इनपे हम कह सकते हैं कि जो एल्डर का ऑनर का जो नेम होता था वो भी इन्ग्रेवड होता था ग्लव्स फॉर बॉक्सिंग सो इनके ग्लव्स भी देखो कैसे के होते हैं स्वॉड और दिस आर द काइंड्स ऑफ फुटवेयर्स विच वाज़ यूज़्ड बाय द ग्रीक मैंस एंड वुमेंस फुटवेयर में मोस्टली जो ग्रीक एंड वुमेंस की फीमेल्स होती थी वो मोस्टली बेयर फुटिड होते थे शूज जो थे स्पेशल ओकेजन पे पहने जाते थे लेदर सोल या वूल सोल का बना होता था हाई हील सैंडल्स वर ओकेजनली यूज टू इंक्रीज दी हाइट हाइट को इंक्रीज करने के लिए हाई हील्स वाली सैंडल्स भी ओकेजनली वॉन की जाती सो दीज आर द हाई हील सैंडल्स यू कैन सी विच आर वॉर्न बाई द ग्रीक्स वूमेन्स नेक्स्ट इज मेल फुटवेयर मेल फुटवेयर सो मेल्स भी जनरली बेर फुटेड जाते थे सैंडल्स वॉर्न की जाती थी और बुशकिन इज अ काइंड ऑफ बूट्स विच आर वॉर्न बाय द एक्टर्स ऑन द स्टेज ऑफ द प्ले में एक्टर्स के द्वारा पहना जाता था सो द बुशकिन्स बूट सो मेन कलर्स विच आर यूज बाय द ग्रीक्स पीपल्स लाइक ब्लैक पर्पल डार्क ग्रीन किसी को मॉर्न डेथ के लिए ग्रीन ग्रे एंड ब्राउन पीजेंट्स पहनते थे वाइट रियल गोल्ड एज ए एम्ब्रॉयड्री जो है वो यूज़ करते थे सो so, एम्ब्रॉयड्री अगर फैब्रिक पे उन्होंने करनी है तो वाइट और रे मोस्टली गोल्ड की करते थे रोज़ विद गोल्ड सो रोज मतलब रेड कलर का कपड़ा मोस्टली और उसके ऊपर गोल्डन कलर के जो गडल जो होती थी वो ब्राइड्स शादीशुदा लड़कियाँ जो होती वो यूज़ करती थी नेक्स्ट इज मटीरियल यूज सो एक्सपर्टली वूमेन क्लोथ हॉरिजोंटल एंड अपराइड लूम्स वर यूज योर लिनन वूल फॉर मेकिंग रॉप्स सो so मोस्टली जो फैब्रिक यूज़ किया जाता था ग्रीक्स में हमने पीछे पढ़ा फर्स्ट वन इज़ वूल एंड सेकेंड इज़ लिनन फैब्रिक जो कि हमने दो ही फैब्रिक जो है वो पूरे तो में पढ़ा है सो दीज आर द फैब्रिक्स विच आर यूज बाई द ग्रीक्स मैंस एंड वूमेन्स सो अगर क्वेश्चन आता है ग्रीक्स की टेक्सटाइल्स के बारे में आपने बताना है तो टेक्सटाइल्स आर द वन जो कि फैब्रिक यूज में हम बताते हैं टेक्सटाइल मतलब वच काइंड ऑफ फैब्रिक इज़ यूज बाय द मैन एंड वुमेंस ऑफ Greeks. So the fabric which are used is linen and of wool.